अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आजकल मैं देख रही हूँ कि रामनवमी के शुभ अवसर पर जो जुलूस निकल रहा है वो क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। करना क्या चाह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। कहीं मस्जिद पर भगवा झंडा लगा दिया जा रहा है, कहीं मस्जिद के सामने जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है। जय श्री राम का नारा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग खुद लगा सकते हैं, क्योंकि श्री राम जो थे वो मोहब्बत की बातें किया करते थे, एकता की बातें किया करते थे, सबको एक साथ लेकर चलने की बातें किया करते थे। ये नहीं कि हम मस्जिद के सामने जय श्री राम का नारा लगाएं, झंडा लहराएं, तलवार लहराएं। क्या साबित क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? ये सब बंद करें, हम सब एक हैं और एक साथ रहेंगे। हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का नाम है। चार मिसरे में आप तक पहुंचाती हूँ, समाज पर मैं पढ़ती हूँ। मैं बदमाश बदतमीज वीरप्पन के भक्त हैं, बदमाश बदतमीज वीरप्पन के भक्त हैं, रहबर नहीं है कौम के रहजन के भक्त हैं। बदमाश बदतमीज वीरप्पन के भक्त हैं, रहबर नहीं है कौम के रहजन के भक्त हैं। भगवा पहन के करते हुए बदतमीजियाँ, भगवा पहन के करते हुए बदतमीजियाँ, ये राम के नहीं किसी रावण के भक्त हैं, ये राम के नहीं किसी रावण के भक्त हैं। क्योंकि राम ने तो नहीं सिखाया कि आप झगड़ा फसाद करें। एक मूवी क्या देख लिया आप लोग, तो दंगाई हो गए, दंगाई दूसरों को कहते कहते खुद दंगाई हो गए। अफसोस होता है मुझे एक फिल्म को देखकर। बदमाश बदतमीज वीरप्पन के भक्त हैं, रहबर नहीं है कौम के रहजन के भक्त हैं, भगवा पहन के करते हुए बदतमीजियाँ, भगवा पहन के करते हुए बदतमीजियाँ, ये राम के नहीं किसी रावण के भक्त हैं, ये राम के नहीं किसी रावण के भक्त हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि किसी को ये बात बुरी नहीं लगेगी, मगर ये सच है। श्रीलंका को देखकर आप लोग ऐसी एक्टिविटी ना करें, वरना श्री हटा के सिर्फ लंका ही बचेगा। आप लोग आपस में एक साथ रहें, मिल के रहें, मोहब्बत से रहें। अल्लाह हाफिज़।